अनुष्का सिन्हा कानूनी जंग न्यूज से आप सबका स्वागत है कानूनी जंग न्यूज में। सिपाही को जरा सी झपकी आई और हथकड़ी सरका कर फरार हो गया बंदी। बिहार के मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस सेंट्रल जेल के बंदी को इलाज के लिए पटना लेकर पहुंची सिपाहियों को झपकी आ गई। इसी बीच बंदी हथकड़ी सरका कर वहां से फरार हो गया। पीएमसीएच के आईजीआईसी में शनिवार की देर रात 12 बजे हुई इस घटना के बाद पुलिस वालों ने बंदी राजकुमार रॉय की खोजबीन शुरू की, लेकिन वह नहीं मिला। राजकुमार को साहिबगंज थाने की पुलिस ने मादक पदार्थ और पिस्टल के साथ 1.5 महीने पहले पकड़ा था। दिल की बीमारी के कारण 26 नवंबर को उसे पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया। राजकुमार का हाथ भी टूट गया है। इसके बाद 27 नवंबर की रात 12 बजे वह मौका मिलते ही वहां से भाग निकला। बंदी को लेकर पटना पहुंचे मुजफ्फरपुर जिला बल के 4 सिपाहियों ने इस घटना को लेकर पीर बहोर थाने में केस दर्ज करवाया है। इस घटना के बाद बंदी को लेकर आए 4 सिपाहियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। बंदी के भागने के बाद पुलिस अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। इसके अलावा अस्पताल के गेट और अन्य जगहों पर लगे कैमरों की पड़ताल भी की जा रही है। कैमरे में कैद फुटेज से यह पता चलेगा कि बंदी किस ओर भागा है, उसके साथ कोई और था या नहीं था। कानूनी जंग न्यूज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज कानूनी जंग न्यूज को फॉलो करना ना भूलें और हमारे वीडियोस पे अपनी प्रतिक्रिया देते रहें, ताकि हम भी आपके अनुसार अपने वीडियोस को अच्छे बनाते रहें। धन्यवाद।